वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर राजस्थान शिक्षा समाचार। सातवें वेतन आयोग का प्रलाभ देने की मांग। 12 फरवरी से होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी। JNVU कर्मचारियों का धरना जारी। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग का प्रलाभ देने की मांग को लेकर दूसरे दिन गुरुवार को भी केंद्रीय कार्यालय पर धरना जारी रखा। JEE Main 2 की फॉर्म फिलिंग आज संभव। वेबसाइट पर नोटिस जारी नहीं होने से संशय। असमंजस। Main 1 दे चुके स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने को लेकर जारी नहीं हुई कोई सूचना। एक दिन पहले दिया जाता है अपडेट। RTU ने भेजा था प्रपोजल, इसके बाद ही नोडल सेंटर को सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना में किया था शामिल। नोडल सेंटर प्रकरण। यूनिवर्सिटी ने कहा था सरकार का फैसला था नोडल सेंटर का। RTU ने कोटा में हवाई सेवा नहीं होने का दिया तर्क। नोडल सेंटर खोलने का विरोध। VC ने छिपाई जानकारी। नियम विरुद्ध शिक्षक का किया था स्थानांतरण, हाईकोर्ट ने लगाया रोक। पीड़ित को अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक का वेतन भी नहीं दिया। 8वीं तक के बच्चों की आज छुट्टी, बोर्ड प्रैक्टिकल होंगे। शीतलहर के चलते बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों की शुक्रवार को छुट्टी दी गई है। 12वीं क्लास के बोर्ड प्रैक्टिकल होंगे। 7 जुलाई को होगी CTET परीक्षा परिणाम आयोजन के 6 सप्ताह में किया जाएगा घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 जुलाई को ली जाने वाले CTET परीक्षा 2019 का परिणाम 6 सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। वंचितों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आज, सहायक लोको पायलट और तकनीशियन। ई ग्रंथालय सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में एक क्लिक से पुस्तकें जारी और जमा होगी। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का सम्मान। शिक्षकों ने सर्दी के बहाने मना ली छुट्टियां, अनुपस्थित रहे 301 को चार्जशीट देने की तैयारी। पॉफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2019 में सीकर का राज्य में 9वां स्थान। जिले के चयनित 21 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा सर्वे में होगा। पॉफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2019 में सीकर का राज्य में 19वां स्थान। जिले के चयनित 21 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्वे होगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक के पूर्व सेवा के परिलाभ देने के प्रतिवेदन को निस्तारण करने के दिए निर्देश। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 से जुड़ा है मामला। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट लेवल प्रथम 2018 का फैसला आज। लेक्चरर अध्यापक की तैयारी के लिए इतिहास अच्छा विषय। फकेड़िया SK गर्ल्स कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर रवि फकेड़िया ने विद्यार्थियों के सवालों के दिए जवाब। दूसरे दिन श्रीमाधोपुर के 426 युवा दौड़ में शामिल। आज नीम का थाना तहसील के अभ्यर्थी दौड़ेंगे सीकर। शिक्षकों को दिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा परिषद राजस्थान के निर्देश पर समग्र शिक्षा अभियान के सिरोही की ओर से जिला स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुवार को दिया गया। विश्वविद्यालय की स्वयं पाठी परीक्षाएं 14 से, प्रवेश पत्र जारी। 32,445 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय। रिटायर कर्मिकों को पुनर्नियुक्ति के बाद अतिरिक्त चार्ज वित्त विभाग की परमिशन पर ही दे सकेंगे। प्रमुख शासन सचिव ने जारी किए स्पष्टीकरण आदेश। पहले विभाग की मनमर्जी पर था निर्भर, पहले अपने स्तर पर चलता था सब कुछ। न्यू पेंशन स्कीम के तहत की गई कटौती को क्रमबद्ध इंदिराज करने की मांग। IAS अफसरों की तबादला सूची, नई सूची जारी। विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया। सातवें वेतन मान की मांग पर दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। शाम को वार्ता के बाद 5 दिन आंदोलन किसकाया। वकील आज करेंगे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार। ADJ भर्ती परीक्षा मामला प्रदेश भर के वकील रहेंगे हड़ताल पर। जोधपुर संभाग। बाड़मेर पुलिस से दोबारा रिपोर्ट तलब। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 हिंदी विषय का प्रश्न पत्र वायरल होने का मामला। शिक्षकों को रिलीव करने में नहीं चलेगी बहानेबाजी। CBSE उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कार्य योजना तैयार। 528 कॉमर्शियल असिस्टेंट को नियुक्ति, 16 रहे गैरहाजिर। 6 आश्रितों को नियुक्ति और आश्रितों को 20 लाख रुपए। कोटा विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा पर कार्यशाला संपन्न। विभिन्न सत्रों में खेल प्रदर्शन को बढ़ाने पर जोर। अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजकीय बालिका विद्यालय रामनगर का मामला, इनका कहना लोकसभा चुनाव में इन कर्मचारियों को नहीं लगेगी ड्यूटी।
बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद सर्वर हो गया डाउन, 20वें दिन से काम नहीं हो कर रही साइट, दोबारा से फाइट। अकफत योजना के तहत दिया जाएगा लाभ, 2007 से मिलता था 400 रुपये। बिना नियमों से कर रहे आवेदन, ज़्यादा भत्ता लेने के चक्कर में कई लोग आवेदन कर रहे हैं, इनमें से कई अपात्र भी हैं जिन्हें नियमों का ध्यान भी नहीं है, वहीं कई लालच में आकर आवेदन कर रहे हैं। उधर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आवेदन खुलने के बाद ही पता चलेगा कि पात्र है या अपात्र, आवेदनों की विस्तृत जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, अदरवाइज उनको भत्ता नहीं दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।